हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको टेंडोकेयर फूड टैबलेट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, टेंडोकेयर फूड टैबलेट 530 रुपये के आसपास आती है, जो कि 15 टैबलेट का प्राइस है। यह समय के अनुसार बढ़ता और घटता रहता है। अगर आप इस टैबलेट को ख़रीदना चाहते हैं तो यह आपको इजीली जनरल मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इसे घर पर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टेंडोकेयर फूड ज़्यादातर जॉइंट पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है और जिनको भी गठिया की दिक्कत रहती है, बोन से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, उनके लिए यह टैबलेट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले L-आर्जिनिन पाया जाता है, जो कि 500 mg के फॉर्मेट में आता है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर कोलेजन पेप्टाइड टाइप 1 पाया जाता है। कोलेजन पेप्टाइड 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हमारे मसल्स और जॉइंट पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अंदर कोलेजन पेप्टाइड टाइप 1 40 mg की मात्रा में प्रेजेंट रहता है। थर्ड नंबर पर इसके अंदर सोडियम हाइयोयूरेट पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यह 30 mg के फॉर्मेट में आता है। चौथे नंबर पर दोस्तों, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि 125 mg की मात्रा में प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, यह आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्थराइटिस यानी कि गठिया की दिक्कत है या ऑस्टो आर्थराइटिस की दिक्कत है, तो इसमें इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर भी आपको इस टैबलेट को ज़रूर देता है। यह जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मदद करता है, जॉइंट पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यह स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। जिनको भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, जिनकी भी कम उम्र में बुढ़ापा नज़र आता है, उनके लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह रिंकल्स को हटाने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। मसल के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर टेंडम केयरिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि यह टेंडम और कार्टिलेज दोनों को ठीक करने में मदद करता है। जॉइंट के इन्फ्लामेशन को भी ठीक करने में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जिनको भी गठिया की दिक्कत रहती है, उनका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ा हुआ रहता है, अगर जिनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, उन्हें गठिया, बाएँ ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। इसके अलावा यूरिन पीएच को कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, इसको कम करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लेकिन दोस्तों, इसका मेनली काम जॉइंट पेन में और बोन से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए किया जाता है। जो भी जिम करते हैं या सपोर्ट वर्कर होते हैं, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि सपोर्ट के दौरान जॉइंट में पेन होना, हड्डियों के अंदर दिक्कत होना, ऐसी कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में जॉइंट पेन की समस्या को दूर करने के लिए टेंडोकेयर फूड काफ़ी अच्छी दवा मानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इस टैबलेट को दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी के साथ आप इसे इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम आपको मिल जाएगी और हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। देखा जाए तो दोस्तों, यह मेन और फीमेल दोनों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहता है। बच्चों के लिए इसे यूज भी नहीं करना चाहिए और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वही सिंपल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द होना, ऐसी कुछ दिक्कतें इसमें देखी जाती हैं। बात करते हैं दोस्तों, इस टैबलेट को आपको कितने समय तक इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आपको इस टैबलेट को 1 से 3 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि आप इसे लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। इसे 1 से 3 महीने तक इस्तेमाल करने से आपके शरीर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आप इसे दूसरी मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको किसी प्रकार की कोई और दिक्कत है, जॉइंट पेन से संबंधित है, मसल से दिक्कत है, तो भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। जो भी दोस्तों जिनको एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो अनहेल्थी फूड या अनहेल्थी डाइट लेते हैं, उन्हें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर करना चाहता है तो अपने डॉक्टर की परमिशन के अनुसार वो कर सकता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप सभी से हमारी एक गुजारिश है, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जॉइंट से संबंधित
या फिर बोन से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उन्हें एक तरह से सहारा मिल जाएगा, उनको एक फ़ायदा मिल जाएगा, आप उनके पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।